नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफील मिरर, हर पल आपके साथ। ब्रदरहुड यानी भाईचारगी का शहर कहे जाने वाला शहरियों में भी आज जाहिलियत देखी गई। ऐसा मानो कि यहाँ के कुछ लोग भी अब मूर्खों की श्रेणी में शामिल होने के आतुर दिख रहे हैं। आपने देश के कई शहरों में मॉब लिंचिंग जैसी इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सुनी पड़ी या देखी होगी, लेकिन आज धर्म, मजहब और जातिवाद जैसी छोटी मानसिकता से आसनसोल का शहर बनपुर अछूता रहा था। मगर आज एक घटना ने यह साबित कर दिया कि कुछ मानसिक रोगी यहाँ भी पनपने लगे हैं। घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को आसनसोल रेलपाल निवासी सफेरी वाला मोहम्मद रिजवान हीरापुर थाना अंतर्गत बनपुर के काला झरिया में फेरी करने गया था। उसी दौरान चार मानसिक रोग से ग्रस्त युवकों ने उसे रोका और नाम पूछा। फेरी वाले के नाम बताते ही उक्त रोगियों ने उसे जय श्री राम का नारा लगाने के लिए दबाव बनाया। रिजवान जब उसके कहने को तैयार नहीं हुआ तो उक्त रोगियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। किसी तरह जख्मी हालत में फेरी वाला मोहम्मद रिजवान हीरापुर थाना पहुंचा, शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। लेकिन यह खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई और खास समुदाय के लोगों ने हीरापुर थाना का घेराव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। पुलिस द्वारा उचित आश्वासन के बाद मामला शांत बोले सर, डर के नहीं, डर के नहीं। फिर बोले जय श्री राम बोलने के लिए, तो फिर भी नहीं बोले। फिर बोला हम मुस्लिम, हम जय श्री राम नहीं बोल सकते हैं। तो फिर अगला फिर तीसरा का रिक्वेस्ट किया, उसके बाद चार्ज कर दिया सर। कितना लगा था? कितना लगा था? लोग कहाँ पे हुआ? काले जगह। आप फेरी करते हैं? जी। कितना लगा था वहाँ? कितना लगा था? सब चार आदमी था। पहचान जाइए। ठीक है, बस ठीक है, ठीक है।